أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل الموت القتل في سبيل الله शुहदाए पाकिस्तान को शुहदाए मिल्लत जाफरिया को और शुहदा के लवाइकिन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज अगर इस मुल्क की वकार बाकी है, इज्जत बाकी है, इस्तेकाम बाकी है तो पाक शुहदा के खून के सदक़े में बाकी है। मैं यहाँ पर एक नुक्ता अर्ज करूंगा क्योंकि खुतबा का यहाँ पे एक हिस्स है, काफ़ी सीनियर खुतबा बैठे हुए हैं यहाँ, हम अपने मसाइल की तरफ भी इशारा करें और साथ साथ पैगाम भी यहाँ जाना चाहिए। तकरीब में शोहरा के साथ साथ सरजमीन बेआईन बल्तिस्तान के मसाइल का भी यहाँ पे जिक्र होना चाहिए ताकि जो इदारे हैं, जो हुकूमत हैं मरकज़ में, उन तक पैगाम जाना चाहिए। यहाँ पर मैं जो नुक्ता आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ वो है जिंदा अंदल और अम्बेडकर टू जो शहदा की सरजमीन है। यहाँ 80% नौजवानों का ताल्लुक पाकिस्तान से हैं, लेकिन मैं अफसोस से कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर वहाँ पर लोगों पर पानीपन किए जा रहे हैं। वहाँ पर मोमिन के लिए, शोहदा के खानवानों के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए एजेंसी से कहना चाहता हूँ जो वहाँ पर कमेटी बनी है उनके साथ आउन किया जाए। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, वहाँ के अमादीन के साथ आर्मी चीफ से एक बैठक किया जाए। हम ये चाहते हैं कि घर की बात घर के अंदर हल हो, वरना अगर हल ना हो तो ये कौन है जो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के इस फरमान पर चलने वाले कोई भी हो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे, मजलूम कोई हो उसकी हिमायत का ऐलान करे। लिहाजा यहाँ सरजमीन रिश्ता में तशरीफ लाए शेख साहिब हुसैन जाहिद साहब को लब्बैक या हुसैन से इनके इस्तेमाल करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यहाँ सरजमीन पाकिस्तान में मुजाहिद आलम दीन आगा अली रिज़वी हर मैदान में खड़े हैं। यहाँ के आवाम चाहे किसी पार्टी हो वो आगा अली के आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है, चाहे वो जमीनों का मसला हो या दीगर मसला हो। अगर आप भी इस बात के साथ हिमायत का ऐलान कर रहे हैं तो अपने निशानों से खड़े हो जाएं। पांच पांच मरतबा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक।